वही मनीष कश्यप जिसके जिसकी चड्डी खाकी है, आरएसएस का एजेंट। और जितना आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो रहा है वो सब गतिविधि में अवैसी जो है ना वो शामिल है। इन दो टके के पत्रकार को अवैसी सामने ही देखते हैं। मनीष कश्यप जो सोच रहा है कि मेरा वीडियो वहां तक पहुंच जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला। छोटे मोटी बातों पे बैरिस्टर साहब ध्यान नहीं देते, ध्यान उनका है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे। तो आरएसएस से आपको क्या परेशानी है? देखिए, ओवैसी पे इल्ज़ाम वो शख्स लगा रहा है जिस विचारधारा को मानता है, आरएसएस की विचारधारा, जिसने आज़ादी के बाद 70 से 72 साल तक हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने कार्यालय में नहीं फहराया था। कभी आप उसको गुजरात में नहीं देखेंगे, कभी आप उसको उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे, वो आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? बिहार में, झारखंड में। यानी कि सरकारी इंजीनियरों की हमेशा रेलाई करने वाले मनीष कश्यप, जिन्होंने अपने नाम के आगे सन ऑफ बिहार लगा रखा है, आज सोशल मीडिया पर उसकी फजीहत हो रही है, उसकी खिंचाई हो रही है। वजह क्या है? यहाँ पर कुछ लड़के हैं, वो लोग बताएंगे, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। मनीष कश्यप ने एक बयान दिया कि ओवैसी का आतंकवादी से कनेक्शन है। हिम्मत है तो टंगवाइए ओवैसिया को, जेल में डालिए, देखिए उसका सारा कनेक्शन आएगा। उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है, बांग्लादेश से भी कनेक्शन है, और जितना आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में हो रहा है वो सब गतिविधि में ओवैसी जो है ना वो शामिल है। आप MIM से जुड़े हुए एक नौजवान युवक हैं और लीडर भी MIM के। मनीष कश्यप के इस बयान से आपका क्या राय है? कौन मनीष कश्यप? मनीष कश्यप, वही मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो एक बहुत बड़े पत्रकार है, मिलियनों में उसके वीडियो व्यूज आते हैं। अच्छा, वो स्वघोषित बिहार का बेटा? हाँ, बिहार के बेतिया के हैं वो मनीष कश्यप, सच तक के वो रिपोर्टर हैं और उनका एक चैनल चलता है सच तक, उसके वो रिपोर्टर भी हैं, फाउंडर भी हैं। उसी मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ मैं। वही मनीष कश्यप जिसकी चड्डी खाकी है, आरएसएस का एजेंट, भाजपा का कार्यकर्ता, उसी की बात कर रहे हैं आप? मनीष कश्यप की बात कर रहा हूँ मैं। जी नहीं, आरएसएस का एजेंट, भाजपा का कार्यकर्ता, ये आप कैसे कह सकते हैं? कभी देखें उसको बीजेपी शासित राज्य में किसी मामले पे उसने वीडियो बनाया हो, जहाँ बीजेपी को छोड़ के अदर कोई पार्टी होती है या महागठबंधन होती है, जैसे झारखंड देख लें या और भी स्टेट देख लें, कभी आप उसको गुजरात में नहीं देखेंगे, कभी आप उसको उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे, वो आपको देखने के लिए कहाँ मिलेगा? बिहार में, झारखंड में। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ भी गैर भाजपा की सरकार है वहाँ वो उसका वो होता है, वीडियो बनता है। इनका कहना है कि मनीष कश्यप भाजपा शासित राज्यों में नहीं जाते हैं, और वो जहां भी भाजपा का सरकार नहीं होता है, भाजपा की गवर्नेंस नहीं होती है, वहां आकर सरकार के खिलाफ, उनके खिलाफ बोलते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, इनका कहना बिल्कुल ही सत्य है, क्योंकि जब शुरुआत में मैं इनका देखता था वीडियो, तो हम भी इनका फैन ही हुआ करते थे। अभी फैन नहीं है क्या? जी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ढेरों जनहित के मुद्दों को देखते हैं, वो उठाते रहते हैं लोगों की समस्याओं को, आपके इलाके के भी मुद्दे, एक लड़के को उन्होंने मतलब के ये किया था, मदद भी की थी, तो फिर आप उसके फैन कैसे नहीं है? जी, ये तो एकदम बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने हमारे इलाके के एक सरफराज जो कि काफ़ी वायरल हुआ, और वो अपने वजह से हुआ, और जो वायरल हुआ उजागर मीडिया की वजह से हुआ, लेकिन हर जगह वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने मेरे स्टाइल में किया, जो कि वो सरफराज जो कि सोनू सूद को जानता, उसको मनीष कश्यप को जानता तक नहीं है, उसका नाम भी मालूम नहीं है, और वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं। दूसरी बात है, मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हो, मिलियनों में, 10-10 मिलियन, मतलब के 1-1 करोड़ लोग उसके एक वीडियो को देखते हैं। जी, करोड़ों लोग देखते होंगे, लेकिन उन्होंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है उनकी, वो तो ठीक ठाक होती है, लेकिन और जो अभी वो जाति विशेष को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल जो है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, वहाँ से जितना ऑर्डर होता है वो उतना ही बोलते हैं। तो आरएसएस से आपको क्या परेशानी है? देखिए, ओवैसी पे इल्ज़ाम वो शख्स लगा रहा है जिस विचारधारा को मानता है, आरएसएस की विचारधारा, जिसने आज़ादी के बाद 70 से 72 साल तक हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने कार्यालय में नहीं फहराया था, वो शख्स ओवैसी पर, जिसे कि बेस्ट सांसद का अवार्ड, सांसद रत्न मिल चुका है कई बार, उस पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहा है, तो शर्म आनी चाहिए उसको। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कभी मनीष कश्यप को आप महंगाई पर बोलते हुए नहीं सुनेंगे,
कभी कोई ऐसा खास मुद्दा जिसमें भाजपा विफल है उस मुद्दे पे वो बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और शायद मनीष कश्यप को मालूम ना हो तो आपके उजागर मीडिया के माइक से मैं बोल के ये उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का वाहिद नेता असदुद्दीन ओवैसी है जिनके स्कूल में बिना जाति धर्म देखे हुए 10,000 बच्चे फ्री में पढ़ाई कर रहे हैं। मनीष कश्यप तो बोल रहे कि वो आतंकवादी है, ओवैसिया को जेल में डालो। अब बोलने का क्या करेंगे, अभी तो वो आरएसएस के बल पे उछल रहे हैं, उसको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप इस खबर को वहां तक पहुंचा दें कि ओवैसी हिंदुस्तान का पहला एक वाहिद नेता है जो 10,000 बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, जिसके मनीष कश्यप भी तो ढेरों लोगों को मदद करते हैं जहां जाता है। अभी अंकिता के घर पे गए थे, वहां 10,000 दिए, और कहीं गए 10,000 दिए, और कहीं जाते हैं 5,000 देते हैं। जिसको मदद करना होता है वो वीडियो बनवा के नहीं देता कि हाँ मैंने 10,000 रुपये कर दिया। मतलब भैया ये जो बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है आरएसएस के एजेंट हैं और ओवैसी जो मदद करते हैं लोगों की दिखाकर नहीं करते हैं, अच्छी मदद करते हैं और ओवैसी इनके लीडर हैं, शायद इसलिए इनको जो मनीष कश्यप ने विरोध किया इनको बुरा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मनीष कश्यप सच में आरएसएस के एजेंट हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? उनके विचारधारा से दिखता है। क्या दिखा गया कुछ बताइए। वोटिंग में भी दिखता है, जैसे जिस तरह ओवैसी साहब को वो बोल रहे थे ओवैसिया को जेल में डालो, इसका आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो कि सारा देश जान रहा है सच्चाई कुछ और है। इनका कहना है कि ओवैसी वैसे नेता हैं जिसे जनता ने इलेक्ट किया है और वो जनता के द्वारा चुने गए एक सांसद है, और सांसद में जब संसद भवन में जाते हैं तो उसे सांसद रत्न का भी पुरस्कार मिला है, बेस्ट सांसद का भी पुरस्कार मिला है। क्या नाम है आपका? दाऊद। आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं मजलिस से जुड़ा हुआ हूँ। मजलिस के आप भी हैं, मतलब MIM पार्टी के जी। आपके नेता को मनीष कश्यप, एक सचतक के पत्रकार है, सन ऑफ बिहार है, वो आपके नेता को आतंकवादी बोल रहे हैं। जैसे कि सभी हिंदुस्तान के जनता को मालूम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संसदीय अवार्ड मिला है, और 2% के पत्रकार हमारे सदर साहब पे इल्जाम क्या लगाएगा, ठीक है? इसकी मतलब देखिए, ये मजलिस के सपोर्टर हैं, फूल तैयारी में है कि जहाँ पे मौका मिलेगा एकदम धर के लपेट देना है। ये कह रहे हैं कि 2% के पत्रकार हमारे वरिष्ठ साहब पर कैसे आरोप लगा सकते हैं। रिलाई कर देना। चाचा जानते हैं ओवैसी साहब को? बहुत अच्छे सांसद हैं वो, हर मामले। मनीष कश्यप को जानते हैं? वो जानते हैं उनको भी। क्या है मनीष कश्यप? पत्रकार है, एक पत्रकार, बहुत बड़ा पत्रकार है, पूरा देश में सबसे ज्यादा व्यू उसी का जाता है। और जानते हैं बिहार में जो टॉप के 3 बिहार के पत्रकार हैं, रवीश कुमार, सुधीर और ये मनीष कुमार, सब में से ज्यादा फॉलोअर इसी के पास है, सबसे ज्यादा लोग इसका वीडियो देखता है। तो इतना जिसका फॉलोअर है वो बात गलत कैसे बोल देगा? नए फॉलोअर रहने से क्या आगा, वो जब सही काम करते है सही बात है, जब गलत बोलते है तो गलत उनका आवाज जाएगा। ऐसे सांसद को जाकर के उनको रतन दिया हुआ, अवार्ड दिया हुआ है संसद में, हर तरह से वो हमेशा सच बात बोलते हैं, हक बात बोलते हैं, हक के लिए सब के लिए लड़ते हैं, आज उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे पत्रकार जाकर के ऐसा होना नहीं चाहिए, जाकर के नहीं होना चाहिए ऐसा, कभी नहीं ऐसा होना चाहिए। ये एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि नहीं, हमारे नेता के ऊपर उन्होंने उंगली उठाई, हमारे नेता के बारे में बुरा भला कहा है, तो वैसे पत्रकारों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपना नाम बताइए भैया पहले। जी मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है। क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा करते हैं, ये ओरिजिनल में सन ऑफ बिहार है ने? सन ऑफ बिहार मतलब बिहार का बेटा, तो बिहार के हैं तो बिहार सन ऑफ बिहार लिखेंगे। आप देख सकते हैं कैमरा मैंने इधर दिखाया, जरा सा दिखाइएगा तो ये देखिएगा, ये सन ऑफ RSS है, आप ये देख सकते हैं कि ये किनके लिए कार्य करते हैं हमेशा। ये देखिए ये खाकी, ये दिखाइए, तो क्या दिक्कत है आपको? अगर RSS से वो जुड़े हुए हैं तो आपको क्या परेशानी है? बहुत बड़े दलाल है ये जो है ना, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए अभी RSS के एक पूर्व मेंबर ने 2-3 दिन पहले, आपने पढ़ा होगा न्यूज में, कि उसने इल्जाम लगाया RSS पे कि RSS पूरे हिंदुस्तान के अंदर बम विस्फोट करवाना चाहती थी। ये वही RSS है जो हिंदुस्तान का कट्टर दुश्मन है, और ये एक बैरिस्टर को, एक देश के नामी नेता जिनकी इज्जत रवीश कुमार से लेकर अंजना ओम कश्यप, जो भी बड़े बड़े पत्रकार हैं वो उनकी इज्जत करते हैं, ये 2 रुपये का पत्रकार क्या बोलेगा उसके सामने, उसके बारे में,
ओवैसी के सामने दो टके का पत्रकार कुछ नहीं है। दो टके का हर जगह देखते हैं, दिल्ली में जाकर संसद भवन से चिल्लाता है, कल अभी देखे झारखंड में विधानसभा के सामने से ललकार। तो दिल्ली जाएंगे ही ना, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, झारखंड जाएंगे हेमंत सोरेन की सरकार है, हिम्मत नहीं है यूपी जाने की। गुजरात में भाजपा की सरकार है, बिल्किस बानो का मामला आज पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल बना हुआ है कि बिल्किस बानो को गर्भवती रहते हुए उसके साथ बलात्कार किया जाता है और आरोपियों को जो है वो रिहाई मिल जाती है, मिठाई बांटी जाती है। तो भाजपा का काम ही है इस देश का माहौल खराब करना। तो मैं भाजपा यहाँ पे तो चलिए ठीक है, आप भाजपा के खिलाफ है, भाजपा माहौल खराब कर रहा है, मनीष कश्यप भाजपा का एजेंट है, भाजपा का कार्यकर्ता, आरएसएस का कार्यकर्ता, हमारे पास लाखों सबूत मौजूद है उसके लिए। मनीष चिल्ला लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का सारा पत्रकार अभी मनीष कश्यप जैसा ही है। बस ये है कि मनीष कश्यप चिल्ला के बोल लेता है और लोग स्टूडियो में बैठ के आराम से बोल के निकल लेते हैं। कोई मुद्दा नहीं बचता तो एक मौलवी, सरकारी मौलवी को उठा के लाया जाएगा, एक पंडित जी को उठा के लाया जाएगा और दिन भर बहस होगा किस पे, श्री कृष्ण पे, श्री राम पे, अल्लाह पे, खुदा पे, नमाज पे, मस्जिद पे, पाकिस्तान पे। इसके अलावा कोई कभी आज तक आपने किसी भी टीवी डिबेट में नहीं देखा होगा कि बेरोजगारी पे कोई चर्चा हो रही है। अर्थव्यवस्था लूट गई है हिंदुस्तान की, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन सरकार को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस हिंदू फ्री में तो राशन मिल रहा है ना, 5 किलो राशन जो मिल रहा है तो लोग वोट दे रहे हैं। जब लोगों को अकल आएगी तो फिर सब ठीक हो जाएगा। आप भी कुछ बोल रहे थे। जी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उधर देखिए क्या बात है, मनीष कश्यप को मैं आरएसएस का दलाल इसलिए भी कहता हूँ, मनीष कश्यप इधर से गोड्डा होते हुए दुमका तक जाते हैं, वहाँ अंकिता और शाहरुख का मामला हुआ था। हाँ जी, लेकिन जब ये गोड्डा के तरफ से जाते हैं, गोड्डा में एक बहुत ही भयावह घटना हुई थी, लेकिन इससे शायद कहीं इससे ज्यादा बड़ा मुद्दा दुमका था, इसलिए मनीष कश्यप दुमका चले गए। अंकिता का मामला था, का मामला बहुत बड़ा मामला था, गोड्डा के अंदर माहौल को इस कदर खराब करने की कोशिश की गई कि भाजपा का जो बड़बोला नेता है, जो सबसे ज्यादा हिंदुत्ववादी बनता है उपदेश राणा, वो गोड्डा पहुंच जाता है और एक मिश्रा जी है वो कपिल मिश्रा वो पहुंच जाते दिल्ली से। हाँ जी दिल्ली से, लेकिन वो लोग गुड्डा नहीं दुमका पहुंचते हैं, दुमका गुड्डा जहां भी पहुंच रहे हो, लेकिन माहौल को खराब करने की कोशिश गई। एक शख्स का वीडियो वायरल होता है जो कहता है कि भाजपा की अगर सरकार होती झारखंड के अंदर तो आज ये काम नहीं होता, और उसी शख्स का भाई जो है आरोपी निकलता है, मंदिर में चोरी होती है और मंदिर के में भगवानों की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। बिल्कुल ये चीज गलत हुई थी वहां पर, जिसने भी किया था उन्होंने साजिश के तहत किया या अपनी चोरी करने के लिए किया, वो पुलिस उस मामले में बहुत तेजी से हस्तक्षेप करती है और आरोपी को जल्द पकड़कर माहौल को शांत कराती है। लेकिन अंकिता का मामला था दुमका में, वहां भी तो अगर मनीष कश्यप वहां पहुंचे तो अंकिता के लिए, अंकिता की आवाज उठाने के लिए, क्योंकि एक बेटी के साथ गलत हुआ था और आरोपी थे शाहरुख, नाम सुना होगा आपने, तो वहां पर मनीष कश्यप कैसे गलत है? जी आरोपी हम आप नहीं कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, वो आरोपी है या जो भी है वो जांच का विषय। आरोपी अगर शाहरुख है तो उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? जी अगर वो सचमुच में आरोपी है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये अब तक जांच का विषय है। तो वो तो खैर पुलिस कस्टडी में, पुलिस सब कुछ कर लेगी। मनीष कश्यप से आप लोगों की वजह क्या है इतनी नफरत? अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो आपने भी एक फोटो मनीष कश्यप के साथ खिंचवा रखी है, आपका भी एक फोटो है, लेकिन अभी 10 दिन पहले का फोटो, आज देख रहे हैं आप मनीष कश्यप के खिलाफ हैं। जी तब तक हमने उनके साथ फोटो जो अपने सोशल मीडिया पे साझा किया था, तब तक मैं उनके बारे में उतना गहराई से नहीं जानता था। जब उनके बहुत सारी फोटो आए, मैंने उसके मान कौन सारी उसकी बहुत सारी फोटो, कहाँ की फोटो? जी वो आरएसएस के जहाँ वो सीखते थे, ट्रेनिंग किया करते थे, वहाँ का फोटो है, हाथ में भाजपा का तिरंगा है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और बहुत तरह उनकी मानसिकता को देखा गया कि किस तरह की रिपोर्ट को दिखाते हैं। नहीं ग्राउंड लेवल पर तो एक नंबर रिपोर्ट दिखाते हैं, इंजीनियर की क्या जबरदस्त रिलाई करते हैं वो नहीं देखे? ग्राउंड रिपोर्टिंग तो खैर वो भी ठीक है, पत्रकारों को या फिर जर्नलिज्म को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उस देश के चौथे स्तंभ मनीष कश्यप जो कि अभी बिहार के सबसे टॉप के ये पत्रकार हैं या रिपोर्टर हैं,
उनका आप मतलब के सोशल मीडिया पर इतना खिंचाई हो रहा है जब से ओवैसी साहब के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, तो ओवैसी साहब इस बयान पर ओवैसी साहब का कोई बयान आया क्या? हिंदू टकेंगे पत्रकार को ओवैसी साहब नहीं देखते हैं। मनीष कश्यप जो सोच रहा है कि मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा होने नहीं वाला। छोटे मोटी बातों में बैरिस्टर साहब ध्यान नहीं देते, ध्यान उनका है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, और देश की तरक्की कैसी होगी। आज चीन का मुद्दा हिंदुस्तान का कोई नेता नहीं उठा रहा, कौन उठा रहा? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और आपने बात की गोड्डा और दुमका की, तो उसी झारखंड में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग की जाती है, उसके शादी के साल 6 महीने के बाद वहाँ मनीष कश्यप नहीं पहुँचते हैं। यूपी के अंदर फ्रीज में बीफ के शक में एक शख्स को मार दिया जाता है, वहाँ मनीष कश्यप नहीं पहुँचते हैं। बिल्किस बानो के मामले में मनीष कश्यप नहीं पहुँचते हैं। मनीष कश्यप कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ किसी हिंदू ख़ास धर्म के लोगों के साथ कुछ गलत होगा, वहाँ मनीष कश्यप पहुँचेंगे, और ख़ासकर उस वक्त जब आरोपी कोई मुसलमान हो। ये क्षेत्र के युवा हैं, जागरूक युवा हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। इनका कहना है कि अगर मनीष कश्यप बहन अंकिता के लिए आवाज़ उठाने के लिए पहुंचते हैं, तो फिर 15 अगस्त के दिन बिल्किस के आरोपियों को सरकार छोड़ देती है, वहां मनीष कश्यप क्यों नहीं पहुंचे? इन युवाओं का सवाल है। मनीष कश्यप थे, आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम, धन्यवाद।